हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। आज की इस वीडियो में भिलाई स्टील प्लांट का जो रिक्रूटमेंट आया है सेल OCT ACT का, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी और कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ये सारे चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। ओके, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने के लिए ट्यूटलेज एकेडमी का हमारा जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट सेल OCT का, SSC JEE का प्रिपरेशन वहाँ पे कराने वाला हूँ, तो वो सारे चीज़ें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और काफ़ी नॉमिनल रेट रखा गया है उसका, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए मैं ये बताता हूँ डिटेल ऑफ पोस्ट। देखिए, इलेक्ट्रिकल का 38 पोस्ट है और ये कैटेगरी वाइज दिया है, अनरिजर्व SC ST OBC EWS PWD, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। केमिकल का 2 पोस्ट है, मैकेनिकल 37 पोस्ट, मेटलर्जी 34, इंस्ट्रूमेंटेशन 4 और इलेक्ट्रॉनिक्स 8 पोस्ट। ये OCT के लिए है, ठीक है, ये OCT का पोस्ट है। इसके पहले बोकारो स्टील प्लांट का भी निकला है, तो आप लोग शायद फॉर्म भर लिए होंगे, नहीं भरे होंगे तो जल्दी से वो भी फॉर्म भर लीजिए। तो टोटल वहाँ पे 123 पोस्ट OCT के लिए था। अब ACT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ACT का जो पोस्ट है, फीटर का 15 पोस्ट है, वेल्डर का 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन 5, ड्रिल ऑपरेटर 5, हर्थमैन 9 पोस्ट एंड बॉयलर ऑपरेटर का जो है वो 15 पोस्ट है। टोटल 53 पोस्ट है और यहाँ पे माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट, सर्वेयर और जूनियर स्टाफ नर्सेस का भी वैकेंसी आई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन जो है ये आपको लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टूटलेज एकेडमी ऐप है, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फुल, पर तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से, या फिर सेल का वेबसाइट है वहाँ पे भी नोटिफिकेशन है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। और फार्मासिस्ट ट्रेनिंग का भी पोस्ट है, सब फायर स्टेशन ऑफिसर है, फायर कम फायर इंजन ड्राइव का भी यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी। ये पे स्केल बताता हूँ, पे स्केल तो आप लोग को पता ही होगा, सारे नोटिफिकेशन में मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे वीडियो पड़ा हुआ है वहाँ पे भी बताया हूँ। तो OCT का जो पे स्केल है 16,800 से लेकर 24,110 तक है और ये पे स्केल आपको 2 ईयर्स बाद मिलता है, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। तो 2 ईयर्स का आप ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद मिलता है। तो फर्स्ट ईयर OCT को 10,700 और सेकेंड ईयर में 12,200 पर मंथ कुछ मिलता है, उसके बाद पे स्केल में आपको रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। बाकी सारे भी पोस्ट है S3 ग्रेड का उतना ही ये है। और ACT का जो पोस्ट है, ACT का S1 ग्रेड आता है, तो S1 ग्रेड का जितना भी पे स्केल है 15,830 से 22,150 रुपये तक है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं, जो मेन है सेल OCT ट्रेनिंग S3 ग्रेड का जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 ईयर 18 साल और मैक्सिमम एज होना चाहिए 28 ईयर यानी 28 साल, ठीक है। और इसको आपको क्वालिफिकेशन पता है क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी आप ब्रांच से फिल कर रहे हैं उस ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए जनरल OBC EWS के लिए और 40% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब ACT बॉयलर ऑपरेटर S1 ग्रेड का यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। एज क्राइटेरिया सेम है 18 से 28 ईयर तक, हम इसमें मैट्रिकुलेशन के साथ ITI चाहिए 2 साल का, ठीक है, इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके। और जो एज रिलैक्सेशन है OBC के लिए SC ST 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 ईयर्स का दिया हुआ है, और PWD कैंडिडेट है तो उनके लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज पर रूल। अब देखिए, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की है, जो वही नॉर्मल है जो हमेशा मैं बताता हूँ और आप लोग जानते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड OCT ACT का वो जो है हाइट वेट ये सारे चीज़ें नॉर्मल है,
ठीक है, मेल और फीमेल का दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो, या फिर फॉर्म भरिए। ठीक है, ये है OCT ACT के लिए कुछ खास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है इनका, जो है जो नियर विजन जो है 2.5D, मतलब प्लस माइनस 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ग्लास का पावर, जो चश्मे का पावर होता है, और कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, यानी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस अगर होता है तो मेडिकल में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, बाकी जो फायरमैन और माइनिंग का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा हार्ड है, तो जो लोग फायर और माइनिंग वाले होंगे वो देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा कि 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, और उस हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा, इसका रेशियो है 1:3। तो ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, OCT का मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है, 60:40 का रेशियो रहता है, टेक्निकल 60 मार्क्स का रहेगा, और नॉन टेक जो है वो 40 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, इसका पेपर भी मैं डिस्कस किया हूँ लास्ट ईयर का, तो इसका भी वीडियो है, आपको बता दूंगा। और टेक्निकल का सिलेबस क्या है, सारे ब्रांच का मैं सिलेबस पहले वीडियो अपलोड किया हूँ, वही सिलेबस है, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है उनको टूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, ट्रेनिंग पीरियड में दो साल का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग पीरियड में OCT के लिए 10,700 फर्स्ट ईयर पर मंथ मिलेगा, और सेकेंड ईयर में 12,200 पर मंथ मिलेगा, और वही ACT के लिए S1 ग्रेड के लिए 8,600 फर्स्ट ईयर मिलेगा पर मंथ, और 10,000 सेकेंड ईयर मिलेगा पर मंथ। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को पता है, और जो अप्लीकेशन फ़ी है वो 250 रुपये है जनरल और OBC के लिए। ठीक है, और नो अप्लीकेशन फ़ी विल बी चार्ज फ्रॉम SC ST PWD ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो जो SC ST PWD और ESM कैंडिडेट है या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके लिए कोई अप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ACT का दिया हुआ है 150 फ़ी है। तो देखिए, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आपके सेल की वेबसाइट पे जाना है www.sale.co.in, और इस पे जाने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं, या फिर आपको पता ही होगा सबका एडवर्टाइजमेंट एक ही टाइप होता है। और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है ऑनलाइन, और ऑनलाइन आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी होगा उससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए, बता देता हूँ कि डेट जब स्टार्ट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट जो है 26 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे दिया हुआ है, तो अभी काफ़ी टाइम है। और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का 15 नवंबर 2019 है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फीडिंग ऑफ पेमेंट डिटेल 16/11/2019 तक है लास्ट डेट पेमेंट करने का। ठीक है, बाकी सारा चीज़ें जो है वो बाद में वेबसाइट पे अवेलेबल होगा कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड आपका कब आएगा। एग्ज़ाम सेंटर मैं बता देता हूँ, सबसे पहले बता देता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न, तो आपको बता दिया 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, और 60:40 का टेक्निकल नॉन टेक्निकल का रेशियो रहता है, लास्ट टाइम यही था। और जो इसका मीडियम है एग्ज़ाम का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और जो टाइम रहेगा 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, नो निगेटिव मार्क्स। ठीक है, सब लोग यही पूछते हैं इंग्लिश रहेगा कि नहीं, तो इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में इंग्लिश आता है, लगभग 10 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है। ठीक है, सबसे बात जरूरी है जो एग्ज़ाम सेंटर,
इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो होम सेंटर मिलता है, ठीक है। लास्ट ईयर लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था होम सेंटर मिला था, यानी जहाँ का भी आप एड्रेस फिल करेंगे फॉर्म भरते टाइम वहीं आपका एग्ज़ाम सेंटर, वहीं उसी के आसपास का जो सिटी होगा वहीं पे एग्ज़ाम आपको सेंटर मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से फॉर्म भरेंगे, जहाँ पे एग्ज़ाम देना होगा वहीं का एड्रेस आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। और सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो सिलेबस जो है वो सारे ब्रांच का सिलेबस मैं दिया हूँ, उसके लिए दूसरा वीडियो है तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग सिलेबस क्या है वो देख सकते हैं, ठीक है। बुक्स मैं बता देता हूँ, बुक्स का जो भी लिंक में लिंक दिया हुआ है बुक्स का भी, कौन से ब्रांच को कौन सी बुक पढ़नी है, लेकिन मैकेनिकल के लिए खासकर मैं बुक बता देता हूँ मैकेनिकल, क्योंकि मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस डिप्लोमा भी है मेरा, और सेल ओसीटी का बहुत सारा एग्ज़ाम मैंने दिया है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। जो मैकेनिकल के लिए बुक है तो आरके जैन, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, और आर एस खुरमी, इसमें से दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आर एस खुरमी का आप बुक लीजिए, और इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कन्वेंशनल भी उसी बुक से किया कीजिए, हो जाएगा, काफ़ी सिंपल इसका एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन इजी आता है। और आर के जैन अगर आर एस खुरमी आप लोग पढ़ लिए होंगे तो आर के जैन भी पढ़ सकते हैं, या फिर एस एस सी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको लगाइए, उससे आपका काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। और आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं और सेल ओसीटी का टेस्ट मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है ट्यूटलेज एकेडमी का, वहाँ पे मॉक टेस्ट सेल ओसीटी का अवेलेबल है। मैंने खुद अपने से बनाया है मॉक टेस्ट, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम का उस हिसाब से मैं बनाया हूँ, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेक्निकल का सिर्फ वहाँ पर मॉक टेस्ट है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सेल ओसीटी का वो मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, और भी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे मैं शेयर करते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा, इन्फॉर्म करते रहूँगा कि जो भी सेल ओसीटी से रिलेटेड ये रहेगा, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग जेई लेवल का एग्ज़ाम जितने सारे भी हैं जो भी पीएसयू का, उसके लिए मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ और इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो आपको करते रहूँगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।